चुनाव को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है। जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था उनमें से 28 के नामांकन आज खारिज कर दिए गए हैं और 28 नामांकन खारिज होने के बाद में 212 उम्मीदवार मैदान के अंदर बच गए हैं। आज निर्वाचन कार्यालय से मिली खबर में है जो चर्चित नामों की अगर अपन बात करें तो उसमें कांग्रेस के जितेंद्र हाडा वार्ड नंबर 2 से उनका जो आवेदन है वो भी खारिज कर दिया गया है। हम आपको बताते हैं वार्ड वाइज कि किस वार्ड में कितने उम्मीदवार बचे हैं। जी लीला जी, इसमें सर ऐसा है, देखिए कि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनकी उम्मीदें थी उन्होंने पर्चे भर दिए, ये खारिज होने से उनकी खुद की उम्मीदों पर भी पानी फिरा है और जो कैंडिडेट्स के जो वोटर्स हैं वो भी उनसे उम्मीदें लगाए बैठे थे तो उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिरा है। तो हमारे पास 55 वार्डों की जो लिस्ट है उसमें टोटल डिटेल्स हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस वार्ड में किस किस का जो नाम है वो कटा है और किस किस का जो चयन है वो हुआ है और किस तरह की डिटेल्स हमारे सामने हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। एल डी शर्मा, आपको बता दूं ज़्यादातर जो नाम है आवेदन जो खारिज हुए हैं उनमें से वो आवेदन थे जिनमें से एक उम्मीदवार ने 2 पर्चे दाखिल किए थे, एक पार्टी से और एक निर्दलीय के रूप में, और पार्टी की टिकट उनके वहाँ नहीं पहुंची तो टिकट के अभाव में ज़्यादातर आवेदन निरस्त हो गए। कुछ आवेदन ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्री कमी के कारण, मेजर मिस्टेक के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। आइए हम बताते हैं आपको वार्ड नंबर 1 से लेकर 55 तक कि किस में कितने कितने उम्मीदवार बचे हैं शेष। हम आपको बताते हैं वार्ड नंबर 1 का परिदृश्य कि वार्ड नंबर 1 में है वो 4 उम्मीदवार अभी तक बचे हुए हैं और आवेदन उठाने की अंतिम तिथि भी बची हुई है, तो इनमें से कम उम्मीदवार भी होने की जो संभावना है वो लगातार बनी रहेगी जब तक आवेदन उठाने की अंतिम तिथि नहीं चली जाती है। वार्ड नंबर 1 में 4 उम्मीदवार है, उनमें से नारायण चंद भारतीय जनता पार्टी से, जयचंद लाल निर्दलीय, राहुल सैनी निर्दलीय और भीम सेन है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से उम्मीदवार है। हम बताते हैं अब आपको अगला वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 के अंदर है 5 उम्मीदवारों अभी तक डटे हुए हैं जिनमें से आसाराम कांग्रेस से, रमेश कुमार भारतीय जनता पार्टी से, मुकेश राजपुरोहित निर्दलीय, सांवरमल नानूराम निर्दलीय और सुनील कुमार मीणा पुत्र संजय कुमार मीणा निर्दलीय। हम आपको बताएं वार्ड नंबर 3 का परिदृश्य, वार्ड नंबर 3 के अंदर 3 उम्मीदवार अभी तक डटे हुए हैं, इसमें जितेंद्र हाडा का आवेदन आज खारिज हो गया है और वार्ड नंबर 3 में 3 उम्मीदवार हैं उसमें बावरलाल गोरसिये भारतीय जनता पार्टी से, जुगल सिंह कांग्रेस से और अनमोल भाटी पुत्र गुलाब साय निर्दलीय। वार्ड नंबर 4 में आमने सामने का मुकाबला है, इसमें 2 ही उम्मीदवार हैं जिसमें भाजपा से अमरचंद मीणा और कांग्रेस से महावीर प्रसाद प्रजापत। और वार्ड नंबर 5 की अगर आपको बात बताएं तो वार्ड नंबर 5 में 4 उम्मीदवार जमे हुए हैं, इनमें पूजा प्रजापत भाजपा से, मैना पत्नी शौकीन निर्दलीय, आसमीन बानो निर्दलीय और सीता देवी पत्नी शिव प्रसाद कांग्रेस से। इसी संख्या में देखें तो वार्ड नंबर 6 में कुल 3 कैंडिडेट्स ही हैं जिनमें सरोज देवी जो है पत्नी मोहन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से डटे हुए हैं और राजकुमारी जो कि ईश्वरलाल जी की पत्नी है जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार है वो भी मैदान में अभी तक डटे हुए हैं और सुमन पत्नी कालूराम जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है अनुसूचित की तरफ से है वो भी मैदान में डटे हुए हैं। इसी श्रृंखला में वार्ड नंबर 7 के अंदर मात्र 2 कैंडिडेट्स ही हैं जिनका एकदम से आमना सामना है, राजकरण पुत्र मोहन लाल जी चौधरी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वहीं युधिष्ठिर सारण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उनका सामना करेंगे। इसी संख्या में अगर हम देखें तो वार्ड नंबर 8 के अंदर कुल 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो एक दूसरे से मुकाबला करेंगे जिनमें विकास कुमार नेशनल कांग्रेस से और राजेंद्र प्रसाद वो है भारतीय जनता पार्टी से और एक पर्चा यहाँ पे निर्दलीय भी जो है इनके बीच में एक समस्या पैदा कर सकता है, महावीर प्रसाद जो कि एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं वो कि निर्दलीय से हैं। इसी संख्या में वार्ड नंबर 9 के अंदर
मात्र दो पर्चे ही शेष रहे हैं, जिनमें सुमन देवी कांग्रेस से और भावरी पत्नी राजू नाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से। वार्ड नंबर अगर 10 की बात करें तो वार्ड नंबर 10 में भी आमने सामने का मुकाबला है। इसमें लाल बहादुर कांग्रेस से और विशाल चोटिया है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगर बात करें वार्ड नंबर 11 की तो वार्ड नंबर 11 के अंदर अभी तीन उम्मीदवार है, जिसमें सुमन पत्नी लक्ष्मी कांत भारतीय जनता पार्टी से, रुक्मणी देवी नरसिंह राम कांग्रेस से और लीला गोदारा पत्नी महेंद्र निर्दलीय। वार्ड नंबर 12 की बात करें तो इसमें भी सीधा मुकाबला है, जिसमें माणक चंद पुत्र मालचंद, जो ये माणचंद भाटी है एडवोकेट, ये कांग्रेस से हैं और रामावतार जांगिड़ है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। वार्ड नंबर 13 में आमने सामने का मुकाबला है, जिसमें कांग्रेस से शिवभुगान सैनी और भारतीय जनता पार्टी से कन्यालाल सोनी। बात करें अगर वार्ड नंबर 14 की तो वार्ड नंबर 14 में भी आमने सामने का सीधा मुकाबला है, जिसमें नरेंद्र कुमार कांग्रेस से और परमेश्वर लाल पारिक भारतीय जनता पार्टी से हैं। यह हमने अब तक आपको बताया वार्ड नंबर 14 तक की स्थिति थी। हम बात करें वार्ड नंबर 15 की, वार्ड नंबर 15 के अंदर तीन कैंडिडेट हैं, जिसमें शंकुतला देवी निर्दलीय और सपना जाखड़ है वो भारतीय जनता पार्टी से, और राजकुमारी चौहान है पत्नी सीताराम चौहान कांग्रेस से। उसी श्रृंखला में अगर बात करें वार्ड नंबर 16 में, वार्ड नंबर 16 में तीन मात्र दो कैंडिडेट ही हैं जिनका एकदम से बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना होना है। सुमन देवी जो कि कांग्रेस से पर्चा भरा हुआ है, और सुमित्रा देवी पत्नी राधेश्याम वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसी श्रृंखला में 17 नंबर वार्ड के अंदर तीन कैंडिडेट्स एक दूसरे को टक्कर देंगे। गायत्री पत्नी लेखराम निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और वहीं रश्मि देवी जो हैं वो कांग्रेस से अपना पर्चा दाखिल करा है, और अलका पत्नी गंगा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इनको टक्कर देंगी। इसी श्रृंखला में वार्ड नंबर 18 की अगर बात करें तो अशोक कुमार पुत्र जतनलाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और उनका सामना करेंगे गिधारी लाल पुत्र समीरमल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसी श्रृंखला में 19 नंबर वार्ड की अगर बात करें तो अर्जुन लाल पुत्र जतनलाल जो कि कांग्रेस के एक अच्छे नेता माने जाते हैं, उनका सामना जो है एक निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कुमार सारण पुत्र नंदलाल सारण उनसे उनका सामना होगा। वहीं एक मजबूती प्रस्तुत करते हुए राकेश कुमार पुत्र सोहनलाल जो कि बीजेपी के अच्छे नेता माने जाते हैं उनसे उनकी टक्कर रहेगी। इस श्रृंखला में वार्ड नंबर 21, तो सर वार्ड नंबर 21 में कौन कौन, वार्ड नंबर 20 की अगर बात करें तो यहाँ पे तीन कैंडिडेट हैं। सुनील कुमार पुत्र मूलचंद जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, स्वर्ण कुमार पुत्र शोभाराम जो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, और संजय मीणा पुत्र मदन लाल मीणा वो निर्दलीय उम्मीदवार है। तो 21 नंबर वार्ड में सर कौन कौन अभी शेष हैं? जी बिल्कुल, 21 नंबर वार्ड के अंदर है वो चार उम्मीदवार अब तक जो सामने स्थिति आई है उसमें चार उम्मीदवार है, जिसमें अंजू भाट है वो कांग्रेस से, माभीर भाट है भारतीय जनता पार्टी से, और राकेश कुमार है वो निर्दलीय और विकास राकसिया है वो भी निर्दलीय है। वार्ड नंबर 22 की बात करें तो वार्ड नंबर 22 में तीन उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिसमें महावीर पुत्र सेतानाराम भारतीय जनता पार्टी से, चंपालाल राकसिया कांग्रेस से, और श्याम सुंदर शर्मा है वो निर्दलीय। वार्ड नंबर अगर 23 की बात करें तो रेखा देवी पत्नी बाबूलाल सैनी कांग्रेस से, डिंपल राजपूत पत्नी कान सिंह है वो निर्दलीय है, कान सिंह है भाजपा के बागी के रूप में, निर्दलीय के रूप में इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सुनीता पत्नी संपत सारण भारतीय जनता पार्टी से, और कंचन पत्नी रामनिवास निर्दलीय। वार्ड नंबर 24 की बात करें तो वार्ड नंबर 24 में तीन उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिसमें सुशील कुमार पूनिया निर्दलीय, हंसराज सिद्ध कांग्रेस से, और लाबू राम सारण है वो भारतीय जनता पार्टी से। वार्ड नंबर 25 की बात करें तो वार्ड नंबर 25 में आमने सामने का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जिसमें राजेश पारिक कांग्रेस से और बनवारी लाल पारिक भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 25 में सीधा मुकाबला है। वार्ड नंबर अगर 26 की बात करें तो इसमें पांच कैंडिडेट जो हैं वो कड़ी टक्कर एक दूसरे को देंगे। रूपचंद जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, और चंदनमल
जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, और गीता देवी शर्मा नेशनल कांग्रेस से, और शिवदयाल पारिक निर्दलीय, और सुंदरलाल शर्मा वो भी निर्दलीय, ये पांच उम्मीदवार वार्ड नंबर 26 में। और अगर वार्ड नंबर 27 की हम बात करें तो याकूब अली खान जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, इमदाद खां निर्दलीय उम्मीदवार है, प्रमोद कुमार नेशनल कांग्रेस से, वहीं लियाकत खां वो निर्दलीय उम्मीदवार है, और शहजाद खां वो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, और अक्रम पुत्र अरशद खां ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है। काफ़ी कड़ी टक्कर यहाँ पे सबकी रहनी है। और अगर वार्ड नंबर 28 की हम बात कर ले तो मुरलीधर जो कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छा चेहरा जिनका माना जाता है, और विष्णु कुमार जो कि निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे हैं, ओम प्रकाश नई जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, वहीं भरत कुमार जो है वो भी निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे रहेंगे। अब अगर हम आगे बात करें वार्ड नंबर 29 की, 29 अनिला चायल जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है, जाफरी बानो जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, सम्मा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, और भावरी पत्नी बौले खां वो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, यहाँ भी काफी संख्या। एलडी सर आपको ये बताना यहाँ ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये वार्ड नंबर 29 के अंदर है वो कांग्रेस से बगावत करके बाले खां ने अपनी पुत्री अपनी पत्नी भंवरी को यहाँ पर चुनाव लड़ाया है, तो ये बाले खां है वो कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं और कांग्रेस के लिए खतरा बन सकते हैं। तो जो बागी है हर वर्ल्ड में कहीं पे कांग्रेस को और कहीं को भाजपा को नुकसान करते हुए दिखाई देते हैं। जी अली सर, इसका नुकसान तो सर भुगतना पड़ेगा, काफ़ी बागी यहाँ पे देखने को मिल रहे। अगर हम बात करें वार्ड नंबर 30 की तो वार्ड नंबर 30 में शबनम पुत्री पप्पू खान जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, रजिया जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और जेमसिद जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और पूजा देवी जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, और वहीं जैतून बानो जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, और रुखसाना वो भी निर्दलीय उम्मीदवार। ये संख्या उम्मीदवारों की वार्ड नंबर 30 में। वहीं वार्ड नंबर 31 की हम बात करें तो सोनू पत्नी बजरंग लाल निर्दलीय उम्मीदवार, सुनीता सैनी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वहीं अलका देवी जो है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और तस्लीम पानो वो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इस्लाम पत्नी उस्मान खां वो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, और नजमा पत्नी रुस्तम ये भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और सोना बानो जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, और संकुश बानो वो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अगर अब तक की बात करें तो वार्ड नंबर 31 में अब तक सर्वाधिक उम्मीदवार सामने हैं, यहाँ से 8 उम्मीदवार आमने सामने हैं। और अब बात करें वार्ड नंबर 32 की, वार्ड नंबर 32 में नवाब का पुत्र सादुले खां कांग्रेस से, और इस वार्ड नंबर 32 के अंदर 5 उम्मीदवार हैं जिसमें नवाब खां कांग्रेस से हैं, अब्दुल रहमान भारतीय जनता पार्टी से हैं, और सुरेश कुमार निर्दलीय, आरिफ नसवान निर्दलीय, और मोहम्मद आरिफ है वो भी निर्दलीय हैं। वार्ड नंबर 33 की बात करें तो इसमें 6 उम्मीदवार हैं जिसमें अब्दुल रशीद साहिल कांग्रेस से, नसीपा पुत्री मेजर खान निर्दलीय, और मोहम्मद आबिद पुत्र मोहम्मद साबिर निर्दलीय, और फैसल पुत्र अमीन शाह निर्दलीय, सलीम खान पुत्र मेजर खान निर्दलीय, और सबीर खान पुत्र लियाकत खान निर्दलीय। वार्ड नंबर 34 की बात करें तो इसमें 5 उम्मीदवार आमने सामने हैं जिसमें नाजिया पत्नी शाहरुख खान कांग्रेस से, और मंजू ओ निर्दलीय, हसमत बानो निर्दलीय, जरीना निर्दलीय, गुलशन बानो निर्दलीय। वार्ड नंबर 35 की बात करें तो इसमें 5 उम्मीदवार आमने सामने हैं जिसमें आजाद पुत्र गुलाब निर्दलीय, मुंशी साय निर्दलीय, गुलाब अब्दुल गफूर निर्दलीय, मोहम्मद नदीम पुत्र नत्तुसा को कांग्रेस ने यहाँ मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर इसी 35 की बात करें तो 5वें उम्मीदवार के रूप में इरफान है जो निर्दलीय। वार्ड नंबर 36 से बताएं। वार्ड नंबर 36 में सर अगर हम बात करें तो यहाँ भी काफ़ी उम्मीदवार एक दूसरे का सामना करें, 7 उम्मीदवार एक दूसरे का सामना करेंगे जिसमें शमसुद्दीन जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, मोहम्मद जमील वो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, अकरम पुत्र शफी मोहम्मद जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, और अब्दुल रहमान वो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, आदिल सैयद पुत्र भंवरुद्दीन सैयद वो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, और शहनाज बानो पत्नी मोहम्मद शफीक ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है, और मोहम्मद इमरान जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है। काफ़ी संख्या यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवारों की है। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि अब तक की अगर बात करें तो ये एकमात्र ऐसा वार्ड है 55 में से वार्ड नंबर 36
इसमें ये मतलब दोनों ही पार्टियां नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लड़ रही है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है, इसमें सभी उम्मीदवार है वो निर्दलीय है। तो कांग्रेस ने यहां पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, कांग्रेस से टिकट मांगने वाले दावेदारों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इस सीट को कांग्रेस ने खुला छोड़ा है कि वहां कोई जीते कोई भी जीते। जबकि इसके आसपास के वार्डों की बात करें तो वहां भी भाजपा नहीं लड़ रही है, तो निश्चित रूप से यहां भाजपा का ग्राउंड नहीं था, लेकिन कांग्रेस के पास ज्यादा उम्मीदवार होने के कारण होने वाले खतरे से बचने के लिए कांग्रेस ने यह वार्ड भी खाली छोड़ दिया है। अब अगर हम बात करें वार्ड नंबर 37 की, तो वार्ड नंबर 37 में रिजवान सैयद जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं मोहम्मद मुस्तकिम जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, और राधेश्याम रेगर जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तीन कैंडिडेट्स यहां पर। और वार्ड नंबर 38 की हम बात करें तो नूर मोहम्मद जो कि कांग्रेस के अच्छे चेहरे माने जाते हैं वो यहां पे डटे हुए हैं, और गुलाब नबी पुत्र मोहम्मद आमीन जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और सद्दाम हुसैन पुत्र मुश्ताक ये भी यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार नजर आएंगे। और अगर हम बात करें वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर 39 इसमें पांच उम्मीदवार एक दूसरे को टक्कर देंगे, राबिया बानो जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, सीमा पत्नी अब्दुल लतीफ जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार है, रशीदा पत्नी अबरार वो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, और जन्नत पत्नी रफीक ये भी निर्दलीय उम्मीदवार है, अमीरा बानो ये भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 40 की बात सर अगर हम करें तो वार्ड नंबर 40 में कौन कौन यहाँ पे एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं बताएं। वार्ड नंबर 40 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 40 के अंदर है वो तीन उम्मीदवार अभी तक मैदान के अंदर है, जिसमें अब्दुल लतीफ पुत्र बसीर निर्दलीय हैं, महबूब अली कांग्रेस से हैं, और दीपक बैद है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। वार्ड नंबर अगर 41 की बात करें तो ये भी अब तक के जो पीछे का वार्ड है उसका रिकॉर्ड ये वार्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। नौ उम्मीदवार इसमें बिल्कुल वार्ड नंबर 41 के अंदर है वो नौ उम्मीदवारों की एक बड़ी लिस्ट हमारे सामने है, जिसमें मोहम्मद इसार निर्दलीय, मुंशी पुत्र आमीन निर्दलीय, इब्राहिम निर्दलीय, मोहम्मद बिलाल निर्दलीय, अब्दुल सत्तार निर्दलीय, मोहम्मद मालिक निर्दलीय, सलमान बिसाइती निर्दलीय, मोहम्मद आरिफ पुत्र शेर मोहम्मद निर्दलीय, मोहम्मद शोएब पुत्र शेर मोहम्मद को कांग्रेस से यहां पर टिकट मिला है। तो अगर बात करें सिकंदर और शेरा की तो इन्होंने तीन पर्चे यहाँ पर भरवा रखे हैं, जिसमें एक इनका कांग्रेस है, दो ये निर्दलीय हैं, तो ये दो तो निश्चित रूप से पर्चे हैं वो उठने वाले प्रतीत हो रहे हैं। अब बात करें वार्ड नंबर 42 की, वार्ड नंबर 42 के अंदर है हमारे सामने छह उम्मीदवार हैं, जिसमें शुभम स्वामी कांग्रेस से, कुलदीप पुत्र राधेश्याम निर्दलीय, बालचंद पुत्र हडमानमल निर्दलीय, शोभाकांत भाजपा से, और विशाल स्वामी निर्दलीय, और मुबारक लुहार पुत्र मोहम्मद हुसैन निर्दलीय हैं। वार्ड नंबर 43 की बात करें इसमें सात उम्मीदवार हमारे सामने हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें एक नंबर हमीद पुत्र जिम्मे शायक कांग्रेस से, और मोहम्मद सुल्तान निर्दलीय, मुमताज निर्दलीय, और मुस्तफा निर्दलीय, और मोहम्मद याकिल निर्दलीय, मोहसिन सांकला निर्दलीय, और मोहम्मद सिकंदर निर्दलीय। वार्ड नंबर 44 की बात करें तो वार्ड नंबर 44 में आप बताएं, वार्ड नंबर 40 में अगर हम बात करें तो फरजाना जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और फातिमा पत्नी अब्दुल ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, शकील खत्री ये भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और रहीसा पत्नी फारूक ये भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और नसरीन पत्नी इमरान ये भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अगर हम आगे बात करें वार्ड नंबर 45 की तो वार्ड नंबर 45 में मात्र दो कैंडिडेट एक दूसरे को आमना सामना टक्कर देंगे बीजेपी और कांग्रेस की, विद्या देवी जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है, और जसोदा बेरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 46, वार्ड नंबर 46 की, वार्ड नंबर 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आमना सामना बीजेपी और कांग्रेस का, अनीता पत्नी कृष्ण किशोर जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है, और चंदा पत्नी राजेंद्र कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी से। इसी श्रृंखला में वार्ड नंबर 47, वार्ड नंबर 47 में भी यहाँ पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार सामने नजर नहीं आ रहा है, दीप्ति पत्नी किशोर कुमार जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, मदनलाल ओझा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसी श्रृंखला में बात करें अगर वार्ड नंबर 48 की
तो वार्ड नंबर 48 में मुन्ना लाल पुत्र कृष्णलाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं त्रिलोकचंद पुत्र हरिप्रसाद ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और अमिताभ पुत्र कृष्णलाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर एक दूसरे को टक्कर देंगे। अब अगर हम बात करते हैं वार्ड नंबर 49, वार्ड नंबर 49 के अंदर मुंशी पुत्र इमामुद्दीन जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अशोक कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, रजनीश शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आबिद खान निर्दलीय उम्मीदवार हैं, समीर अहमद वो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और रामरख पुत्र भागीरथ ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर कर देंगे। जी वार्ड नंबर 50 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 50 की भी एक काफी अच्छी लिस्ट है, इसमें भी 8 नाम हमारे सामने हैं, जिसमें राकेश कुमार है पुत्र रूपचंद है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और परमेश्वर पुत्र चेतन राम है वो निर्दलीय है, और भरत कुमार है वो निर्दलीय, और सुजीत कुमार मोनपुरिया है वो निर्दलीय है जो कांग्रेस के बागी हैं, अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल कांग्रेस से हैं, राजेंद्र प्रसाद पुत्र कंवरलाल भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं जो निर्दलीय हैं, राधेश्याम रेगर निर्दलीय हैं, और राकेश कुमार मगाराम निर्दलीय हैं। ये 8 उम्मीदवार हमारे सामने थे। वार्ड नंबर 51 की बात करें तो इसमें सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जान मोहम्मद है वो कांग्रेस से उम्मीदवार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, जो सीधा मुकाबला निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में होना है। मोहम्मद तालिब पुत्र खुशी मोहम्मद निर्दलीय उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 52 की बात करें तो इसमें आमना सामना कांग्रेस और भाजपा के बीच में होना है, दो ही उम्मीदवार है, सीमा कांग्रेस से और हीरा देवी भारतीय जनता पार्टी से। वार्ड नंबर 53 की बात करें तो वार्ड नंबर 53 में भी जो है वो उम्मीदवारों की जो सूची है, वार्ड नंबर 53 में 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हंसराज पुत्र मोतीलाल प्रजापत और कांग्रेस से मोहम्मद इब्राहिम, और यहां पर भाजपा के बागी रामचंद्र माली निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हैं। वार्ड नंबर 54 की बात करें तो यहां पर 3 उम्मीदवार हमारे सामने हैं, मंजू देवी पत्नी परमेश्वरलाल कांग्रेस से, चंदा देवी पत्नी कन्यालाल सोनी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इमना पत्नी इमायत तुल्ला निर्दलीय है। अब अंतिम वार्ड नंबर 55, वार्ड नंबर 55 में पूरे आधा दर्जन उम्मीदवार है, इसमें धन्नाराम सिद्ध भारतीय जनता पार्टी से हैं, शकील गोरी पुत्र सैयद गोरी निर्दलीय, अब्दुल सत्तार पुत्र मोहम्मद असलम निर्दलीय, मदनलाल पुत्र कैलाश चंद्र मिश्र निर्दलीय, मदनलाल पुत्र गुमान सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, मदन सिंह निर्माण, और बात करें इसी वार्ड के 6 उम्मीदवार की तो कालूराम पुत्र बाबूलाल आरएलपी से उम्मीदवार है। तो ये थी 55 वार्डों में उम्मीदवारों की सूची, 212 उम्मीदवार अभी मैदान में बचे हैं, जो हमने आपको 1 नंबर से 5 नंबर तक बताए, जिनमें से बीजेपी कांग्रेस आरएलपी और निर्दलीय सहित अनेक दलों के लोग शामिल थे जो बचे हैं। अब जो समय बचेगा उसमें आवेदन उठाने का, जो अंतिम समय बचा है उसमें आवेदन उठाए जाएंगे। आवेदन उठाने की अंतिम तिथि के बाद यह तय हो पाएगा एलडी सर कि कितने लोग मैदान में बचे हैं और इनके बीच में मुकाबला होना है। बस उन्हीं के बीच में मुकाबला रहना है और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपनी तरफ से पूरा जोर आजमाइश करेंगे और किसका भाग्य और किसकी किस्मत है वो चमकती है, ये हम सबको 28 तारीख को देखने को मिलेगा। और आपको कंटिन्यू लगातार राजस्थान की जान जो है वो नगर पालिका चुनाव की अपडेट्स आपको देता रहेगा, तो पूरी जानकारी के लिए राजस्थान की जान न्यूज चैनल से आप जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।